हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? गाइस आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस मेरा नाम है अब्दुल और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल करंट फार्मेसी में। तो गाइस आज की जो वीडियो है, देखिए इसमें आज हम बात करने वाले हैं मेडिसिन फॉर टीथ पेन, यानी अगर किसी के दाँड या दांत में दर्द हो तो हम उसमें कौन सी मेडिसिन दें, या अगर किसी के जो दाँड या दांत है उसमें कीड़ा वगैरह लग रहा हो तो उसमें कौन सी मेडिसिन का हम प्रयोग करें। तो इन सभी के ऊपर आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं, इसलिए जो वीडियो है ये काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाली है। और आपसे यही रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप एक फार्मेसी के स्टूडेंट हो या फिर मेडिकल लाइन से जुड़े स्टूडेंट हो और हमारे चैनल करंट फार्मेसी पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल आप ही क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लेना। तो करते हैं आज के वीडियो स्टार्ट, लेट्स बिगिन। देखिए सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे कि ऐसी कौन सी एंटीबायोटिक्स मेडिसिन है जो आपको टूथ पेन को दूर करती हैं, यानी वे मेडिसिन कौन सी हैं जो एंटीबायोटिक होकर भी आप जो दाढ़ों में दर्द है या फिर जो आपके दांतों में दर्द है उसको दूर करती हैं। देखिए जो हमारी फर्स्ट है वो है अमोक्सिसिलिन। तो वैसे ये एंटीबायोटिक्स है और हम इसका यूज कर सकते हैं आपके जो टूथ पेन है उसको दूर करने के लिए, यानी फिर जो कह सकते हैं अगर आपके जो टूथ हैं उसमें स्वेलिंग वगैरह आ गई है तो भी हम इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारी है पेनिसिलिन। देखिए दोनों ही मेडिसिन सिलिन ग्रुप से ली गई हैं और जो सिलिन ग्रुप होता है उसका जो यूज होता है वो यही होता है कि जो टूथ पेन होते हैं जैसे दर्द वगैरह हो जाता है आपके दांतों में तो उसको दूर करती हैं। नेक्स्ट हमारे सिप्लेक्सिन, तो इसका भी सेम काम है, अगर आपके जो दांत या फिर दाढ़ है उसमें दर्द है तो हम इसमें यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी क्लिंडामाइसिन। देखिए तो क्लिंडामाइसिन मेडिसिन है, वैसे तो इसका जो ज़्यादातर यूज किया जाता है ना वो लंग्स वगैरह के लिए किया जाता है, यानी अगर आपके लंग्सों में पानी वगैरह जमा हो गया है या फिर लंग्स इन्फेक्शन हो गया है उसमें हम जो क्लिंडामाइसिन मेडिसिन है उसका यूज कर सकते हैं। बट हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मतलब जो दांत या दाढ़ है उसके लिए, तो उसमें भी हम इसका यूज कर सकते हैं। अगर आपके जो पेन हो रहा है दांत में और या फिर कह सकते हैं उसमें स्वेलिंग वगैरह आ गई है तो उसमें हम इसका ज़्यादातर यूज करते हैं। नेक्स्ट जो है वो है एजिथ्रोमाइसिन। देखिए एजिथ्रोमाइसिन जो वैसे एक एंटीबायोटिक है और ज़्यादातर इसका जो यूज होता है वो कोल्ड के लिए किया जाता है, यानी अगर आपको नज़ला खांसी हो गई है तो हम एजिथ्रोमाइसिन का यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर बात कर रहे हैं हम पेन के लिए, यानी जो आपके टूथ है उसमें दर्द वगैरह है तो हम उसमें भी जो एजिथ्रोमाइसिन है उसका यूज कर सकते हैं। और आपको ना इन सभी मेडिसिनों को अपनी जो नोटबुक है उसमें लिख लेना है क्योंकि आपको इन फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा मतलब ये बेटर रहेंगी, आपके लिए फ़ायदेमंद है। और देखिए जो हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है वो है ECB-625, ये इसका ब्रांड नेम है। और बात करें इसका साल्ट की तो इसमें पाया जाता है अमोक्सिसिलिन पोटेशियम क्लायोनेट, ये इसका एक कॉम्बो है जो काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है और ये भी एक एंटीबायोटिक्स है। तो इसका यूज क्या है कि अगर आपके जो टीथ है यानी जो आपके दांत हैं उनमें दर्द हो रहा है तो हम इसका यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर किसी का ब्लड इन्फेक्शन है तो भी हम इसका यूज कर सकते हैं, यानी एक ऐसी मेडिसिन है जो आपके दांतों के साथ साथ आपके जो बॉडी में और भी एंटी डिजीज हैं उनको ठीक करती है। यानी जो हमारी एंटीबायोटिक मेडिसिन होती है उनका यही काम होता है कि बॉडी में और भी एंटी डिजीज हैं जो बैक्टीरिया की वजह से हो गई हैं उनको ठीक करती है हमारी एंटीबायोटिक मेडिसिन। तो हम बात करते हैं यहाँ पे ECB-625 की, तो इसका भी यही यूज है कि अगर आपके जो दांत हैं उनमें दर्द है या फिर स्वेलिंग वगैरह आ गई है तो हम इसका यूज कर सकते हैं। देन जो हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है वो है लार्निक SP। तो देखिए लार्निक SP जो मेडिसिन है इसका बस एक काम होता है जो अच्छी तरह से कर पाती है, उसका ये है कि अगर आपके जो दांत हैं उनमें स्वेलिंग वगैरह आ गई है, यानी हद से ज़्यादा स्वेलिंग आ गई है, आपके जो दांत हैं उनमें से पानी वगैरह निकल रहा है जैसे हम मवाद कह देते हैं, तो उसको ये दूर करती है। और ये बेस्ट पेन किलर भी है, यानी जो आपके दांतों में पेन होता है तो उसको भी ये दूर करती है। और ज़्यादातर इसका यही काम होता है कि अगर आपके जो दांत हैं उनमें स्वेलिंग वगैरह आ गई है तो ये उसको ठीक करती है। देन उसके बाद में अगर उसमें पानी वगैरह निकल रहा है जिसे हम मवाद कहते हैं तो उसको भी ये दूर करती है, ठीक है ना। देखिए यहाँ तक हमने बात की वे एंटीबायोटिक्स थी जो आपके टूथ पेन को कम करती हैं, यानी ये सभी एंटीबायोटिक्स थी। और अब हम बात करें कि ऐसी मेडिसिन कौन सी है जो केवल आपके टूथ पेन को ही कम करती है, जो एंटीबायोटिक नहीं है। तो देखिए मार्केट में एक ब्रांड नेम आता है जो टैपी के नाम से है और इसके और भी ब्रांड नेम है जैसे मेरीडोल है, बेस्ट ऑफ 100 है। और बात करें इसका साल्ट की तो इसमें ना टर्माडोल पाया जाता है, यानी इसमें टर्माडोल साल्ट होता है और टैपी इसका एक काफ़ी ज़्यादा फेमस ब्रांड नेम है। तो आप इसका यूज कर सकते हैं जो काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है, अगर आपके जो टूथ हैं उनमें बार बार दर्द हो रहा है तो ये उसको दूर करती है। और बात करें इसके डोज की तो देखिए इसकी एक टेबलेट आप मॉर्निंग में ले सकते हैं, यानी BD खाई जाती है, एक टेबलेट मॉर्निंग में और एक टेबलेट आपके जो शाम में यानी इवनिंग में, तो इसका ऐसा हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए हम फिर बात करते हैं अगर आपके जो दांत हैं उनमें जख्म वगैरह हो गए तो हम उसमें कौन सी मेडिसिन दें। देखिए मार्केट में एक मेडिसिन आती है जो लिंजोलाइड 600 ग्राम से मिल जाएगी, यानी ये इसका ब्रांड नेम है और इसका साल्ट भी जो लिंजोलाइड ही है। तो इसका काम ये है कि अगर जो आपके दांत हैं उनमें जख्म हो गए जो मतलब सूख नहीं पा रहे हैं, उनमें से बार बार आपका जो ब्लड है वो आ रहा है,
तो हम इसका यूज कर सकते हैं। इससे होगा क्या कि आपके जो जख्म है दांतों से जो ब्लड आपका निकल रहा है बार बार वो दूर हो जाएगा, ठीक है। और जो हमारी नेक्स्ट है वो है पल्मोसेप 500। तो देखिए जो पल्मोसेप 500 का फेमस ब्रांड नेम है वो है एक्जम 500। तो आप इसका यूज कर सकते हैं, इसका भी सेम मतलब काम है, इसका सेम ही वर्क करती है लिंजोलाइट की तरह। अगर आपके जो टूथ हैं यानी उसमें जख्म हो गए हैं और उससे ब्लड निकल रहा है या फिर आपके जो स्वेलिंग वगैरह ज़्यादा आ गई है तो हम इसमें इसका यूज कर सकते हैं। देन इससे होगा क्या कि आपके जो जख्म है उनसे ब्लड जो आ रहा है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो हम इसका ऐसे यूज कर सकते हैं। और बात करें इसके डोज की, देखिए ये दोनों मेडिसिन बच्चों के लिए नहीं है, यानी आके अगर जो बच्चे हैं उनके दांतों में दर्द हो रहा है तो उसमें इसका यूज ना करें, उसके लिए अलग से और टेबलेट आती है या फिर आप डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन ले सकते हैं। तो इसका यूज ना बस अडल्ट व्यक्तियों के लिए किया जाता है, यानी जो 20 साल से ऊपर के व्यक्ति हैं उनमें ही इसका यूज कर सकते हैं। और हम बात करते हैं यहाँ पे जो एक्जम 500 की, तो इसका यही काम है कि अगर आपके जख्म वगैरह हो गए दांतों में तो ये उसको ठीक करती है, ठीक है। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही था, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो गाइस वीडियो कैसी लगी यार हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट कर दें, और आपके जो फ्रेंड लोग हैं या फिर आपके जो क्लासमेट हैं उन सभी के साथ एक बार वीडियो को जरूर से शेयर कर दें। और गाइस आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हैं, उसका जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और गाइस मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो मेरा इंस्टाग्राम पेज है जो करंट फार्मेसी के नाम से है उस पर होता क्या है कि आपके ही कोर्स से रिलेटेड पोस्ट की जाती है, यानी अगर आपके जो कोर्स में जो डायग्राम है उन सभी को वहाँ पर मैंने पोस्ट किया हुआ है, तो आप एक बार उसको जरूर से फॉलो कर लेना। और गाइस अगर आप एक फार्मेसी के स्टूडेंट और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल आप ही का है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव अ नाइस डे।